की कहानी है बुद्धिमान हंस। सुंदरवन के घने जंगलों में एक बहुत पुराना और बड़ा ही विशाल पेड़ था। उस पर बीसियों ही हंस रहते थे और उन्हीं हंसों में एक बुजुर्ग और बहुत ही सयाना हंस भी उनके साथ रहता था, जो बहुत ही बुद्धिमान और दूरदर्शी था। सभी हंस उस बुजुर्ग हंस का आदर सत्कार करते थे और उसे ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन की बात है कि ताऊ ने उस बुजुर्ग हंस ने उस पेड़ पर एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे से लिपटते हुए देखा। तभी ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो बेटा, इस बेल को यहीं नष्ट कर दो तुम लोग। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। तभी वहीं पर एक युवा हंस हंसते हुए बोला, क्या ताऊ, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? तब बुजुर्ग हंस ने समझाया कि देखो बेटा, आज ये जरूर तुम्हें छोटी सी लग रही है, लेकिन धीरे धीरे ये पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आ जाएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और ये पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए बहुत ही आसानी से बेटा इसमें सीढ़ी बन जाएगी, जिसके कारण कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर आसानी से हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। लेकिन उस बुजुर्ग हंस की बात का दूसरे हंसों को बिल्कुल यकीन ना आया, क्योंकि सब जवान और यंग थे। तब एक नन्हे हंस ने कहा, क्या ताऊ, एक छोटी सी बेल से कैसे सीढ़ी बनेगी? तभी तीसरे हंस ने भी बोला, ताऊ, तू एक छोटी सी बेल को खींचकर कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं कर रहा है। तभी वहीं दूसरे हंस ने भी ताऊ को ताना मारा और कहा, ताऊ, तू अपनी अकल का रोक डालने के लिए अंटसंट कहानी बना रहा है। अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम बुढ़े हो चुके हो और हम जवान हैं। हमें कोई नहीं पकड़ सकता है, तुम अपनी राय अपने पास ही रखो। सभी हंसों ने उस बुजुर्ग हंस की राय का मजाक उड़ाया। इसी प्रकार किसी दूसरे हंस ने भी ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की अकल तो चूंकि उनमें किसी हंस में नहीं थी, लेकिन वो बुजुर्ग हंस समझ गया था कि एक दिन ये जरूर पछताएंगे। समय बीतता रहा, बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना भी मोटा होना शुरू हो गया और सचमुच ही वह पेड़ के तने पर लिपटकर सीढ़ी जैसी बन गई, जिस पर आसानी से कोई भी चढ़ सकता था। अब सबको ताऊ की बात याद आने लग गई, पर अब किया भी क्या जा सकता है, क्योंकि बेल इतनी मजबूत और मोटी हो गई थी कि उसे नष्ट करना अब उन हंसों की बस की बात नहीं रही। एक दिन जब सभी हंस दाना चुगने के लिए बाहर गए हुए थे, तभी एक बहेलिया उधर से निकला और पेड़ पर बनी हुई सीढ़ी को देखकर उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछा दिया और वहां से चला गया। अब शाम हुई, शाम को जब सारे हंस लौट आए और उसी पेड़ पर उतरे, तो बहेलिए के द्वारा जो जाल बिछाया गया था उसमें बुरी तरह फंस गया और सभी हंस जोर जोर से फड़फड़ाने लगे। तब उन्हें अपने उस बुजुर्ग हंस की बुद्धिमानी दूरदर्शिता का पता लगा। अब सब ताऊ की बात को ना मानने के लिए बड़े लज्जित अपने आप को महसूस कर रहे थे और अपने आप को कोस भी रहे थे कि काश हम ताऊ की बात मान लेते तो आज हम ऐसे जाल में यूं नहीं फंसते। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम सब मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरे हंस ने भी बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब ताऊ अब तुम ही बता सकते हो हमको। आगे से हम तेरी कोई भी बात को नहीं डालेंगे। अब चूंकि ताऊ भी फंसा था उस जाल में,
अब सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने एक तरकीब बताई। उसने कहा, देखो तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा तब तुम मुर्दा होने का नाटक करना और बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर हम सबको एक एक करके जमीन पर रखता जाएगा। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, तुम जमीन पर धरे जाने के बाद भी वहाँ मरे हुए पड़े रहना। और जैसे ही वो बहेलिया ये अंतिम हंस को जब रखेगा हमारे में से, तो मैं वैसे ही सीटी बजाऊंगा और तुम मेरी सीटी सुनते ही तुम सब एक साथ उड़ जाना। सुबह जब बहेलिया आया तो हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर रखता चला गया। अब सीटी की आवाज जैसे ही आई सारे हंस तुरंत उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता ही रह गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धिमानों और बुजुर्गों की सलाह को हमें हर समय गंभीरता से लेना चाहिए। तो दोस्तों हम इस चैनल पर ऐसी कहानियां लाते रहते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।